संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। उन्होंने 94 साल की उम्र में मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको बता दें, करीब एक माह पहले बीमारी के चलते उन्हें मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन के लिए मैरिज हॉल सगीर पैलेस में रखा गया। बड़ी संख्या में लोग सगीर पैलेस पहुंच रहे हैं। नमाज़े जनाजा कल दिनांक 28 फरवरी 2024 को सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। बताया जा रहा है, तबीयत खराब रहने के बावजूद भी उन्होंने हमेशा एक सांसद का फर्ज निभाया और लोकसभा की कार्रवाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने हमेशा मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का मुद्दा उठाया। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क 5 बार के सांसद और 4 बार विधायक रहे हैं। संभल से अंजू मिश्रत की रिपोर्ट। समझौता नहीं किया, अपने तरीके से मुरादाबाद लोकसभा के भी मान्य सांसद रहे, संभल के तो अभी भी है, अपने तरीके से मुरादाबाद लोकसभा की भी उन्होंने सेवा करी, संभल की भी सेवा करी लंबे समय से, तो राजनीतिक सफर उनका लंबा रहा। इस नाते उन्होंने मुझे लगता है कि अपने तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद जो भी उनके संकल्प थे क्षेत्र में विकास कार्य भी मुरादाबाद लोकसभा से, क्योंकि मैं मुरादाबाद लोकसभा का निवासी हूँ, वहाँ से भी वो सांसद रहे हैं, तो उन्होंने जनप्रतिनिधि के नाते विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, लंबे समय तक राजनीतिक सफर रहा। ये सौभाग्य मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को पीछे भले ही प्राप्त हो गया हो, लेकिन आगे भविष्य में ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त हो गया, तो मैं इस अवसर पर अपनी शोक संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति व्यक्त करता हूँ और श्री प्रभु से भी प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान देकर सदगति प्रदान करें और ये इस क्षेत्र के लिए क्षति है, निश्चित रूप से उनका परिवार इस उभर कर उनके जो अधूरे कार्य हैं, उनके जो अधूरे सपने हैं, उसी रूप में समाज की सेवा निश्चित रूप से आगे करते रहेंगे। पुनः मैं अपनी शोक संवेदनाएं उनके प्रति व्यक्त करता हूँ।